हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। ट्वींस प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका शरीर लचीला रहता है एंड आपके जो दोनों बेबी का साइज होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। बट आप याद रखें कि अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है एंड आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो आप थोड़ा बहुत बिल्कुल झुक सकती हैं। बट याद रखना है कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा झुक के कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है एंड बहुत ज्यादा देर तक झुक के कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक झुकने से गर्भपात का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए और आपको बहुत जल्दी जल्दी एंड बार बार नहीं झुकना है एंड झटके से बिल्कुल भी ना उठना है और ना ही आपको बैठना है। और आपने कभी कभी ये सुना भी होगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी मेरा मिसकैरेज हो गया, तो इसका एक ये रीजन सबसे बड़ा रहता है जो आप अक्सर अनजाने में कर देती हैं, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अब हम बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर की। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है एंड आपका बेबी बम बढ़ता है तो आपको उठने और बैठने में थोड़ी सी तकलीफ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि आपको झुकने वाला काम ज्यादा नहीं करना है, आपको उससे बिल्कुल बच के रहना है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप जो है काफी देर तक खड़े होके एंड झुके कपड़े धो रही हैं या झाड़ू लगा रही हैं या फिर बहुत ज्यादा अपने पेट पर दबाव डाल के पोछा लगा रही हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, इससे आपके बेबी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा एंड उसको भी दिक्कत हो सकती है, प्लस आपको भी दिक्कत होगी। एंड सबसे बड़ी बात कि जितना ज्यादा आप झुक के अपने पेट पर प्रेशर डालेंगी तो आपके जो है समय से पहले लेबर पेन भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। और अगर आपको झाड़ू वगैरह कुछ भी लगानी है तो आप झुकने की बजाय सीधे खड़े होकर बिल्कुल लगा सकती हैं। और आप कपड़े वगैरह भी अगर धो रही हैं तो आराम से बैठकर ही धोएं, बहुत ज्यादा अपने पेट पर दबाव या प्रेशर डालने की गलती ना करें। और इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप अपने डॉक्टर से भी एडवाइस जरूर लेती रहें। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। तो ट्वींस प्रेगनेंसी का जैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर लगता है आपका पेट बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है एंड आपके जो बेबी होते हैं वो भी काफी तेजी से बढ़ते हैं। तो ऐसे में आपको झुकने वाला काम बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको नॉर्मली रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आप झुकती हैं वो भी डायरेक्ट, तो इससे आपके बेबी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है एंड उसके सर पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप झुकेंगी आपका पेट उतना ही ज्यादा दबेगा, इससे आपके बेबी को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। एंड इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके प्री मेच्योर लेबर पेन होने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं जो कि ट्वींस प्रेगनेंसी में ऑलरेडी रहते हैं। और इसके अलावा आप अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में ज्यादा झुकती हैं तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं एंड आप गिर भी सकती हैं और आपकी बॉडी का बैलेंस भी बिगड़ सकता है। इसलिए आपको झुकने से जरूर बचना चाहिए। और आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में बहुत ज्यादा झुक के एंड अपने पेट को बुरी तरीके से दबा रही हैं और झाड़ू लगा रही हैं, पोछा लगा रही हैं, तो आप ऐसा ना करें। ऐसा करके आप अपने लिए और अपने बेबी के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ा रही हैं। तो इसलिए आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि आपके पेट पर प्रेशर पड़े एंड आपको कोई भी दिक्कत हो। इसके अलावा आप सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में झुककर काम करती हैं तो अगर आप डायरेक्ट झुक जाती हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द एंड आपको कमर दर्द की शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। अगर आपको इमरजेंसी में झुकना पड़ता है या कोई चीज उठानी पड़ती है तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने घुटनों पर बैठना है, उसके बाद ही आप चीज को उठाएं एंड उसके बाद में बहुत ही आराम से खड़े हों। और ध्यान रखें कि आप ट्वींस प्रेगनेंसी के बढ़ते टाइम पर जब भी झुक रही हैं तो आप किसी न किसी चीज का सपोर्ट जरूर ले लें ताकि आपका बैलेंस ना बिगड़े एंड आपको चक्कर वगैरह भी ना आए और आपके गिरने के जो चांस होते हैं वो भी काफी ज्यादा कम हो जाए, क्योंकि जब आप गिरती हैं तो इससे आपके बेबी को भी चोट लगने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें। और आपको अगर ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।